रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज 31 जनवरी से उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू होगा। नामांकन की प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलेगी। स्क्रूटनी 8 फरवरी को होगा। इसके साथ ही नाम वापस की तिथि 10 फरवरी तक है। इस सीट पर मतदान 27 फरवरी को होगा। रिजल्ट की घोषणा 2 मार्च को की जाएगी। नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह टीसी माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे ने अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। आगामी रामगढ़ उपचुनाव है जो 27 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है, उसके लिए निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो रही है। नामांकन की प्रक्रिया 7 तारीख तक होगी। हमारे पोलिंग पार्टीज, ईवीएम, ये सारी तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा लगातार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से हमारी अपील है कि इस चुनाव को निष्पक्ष और सफल बनाने के लिए सभी जो योग्य मतदाता है वो आए और निष्पक्ष तरीके से मतदान करें। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6 चेकनाके कार्यरत हैं जिसमें 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में चेकनाकों को और बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में रामगढ़ जिले के सभी बॉर्डर्स भी सील कर दिए जाएंगे। उसके लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल की मांग की गई है जो आने वाले दिनों में हम लोग को मिल भी जाएगा। इसके अलावा जो आर्म्स लाइसेंस्ड आर्म्स हैं उनका भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर जारी है, जैसे कि डीसी मैडम ने बताया कि और अपील भी की कि जो भी जिनके पास लाइसेंस है वो अपने आर्म्स का फिजिकल वेरिफिकेशन नज़दीकी थाना में करा लें और वहाँ पर उसको डिपॉजिट करा लें। तो आने वाले दिनों में इस कार्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। पुलिस का जो चुनाव संबंधित प्रशिक्षण प्रोग्राम है, 3 दिवसीय अभी एक प्रशिक्षण हुआ था वो आज कंप्लीट हो रहा है। साथ में जो आने वाली फोर्सेज रहेंगी, सेंट्रल फोर्सेज रहेंगी या राज्य की जो फोर्सेज रहेंगी उनकी भी ट्रेनिंग करा के उनका ड्यूटी रोस्टर उनको आने वाले दिनों में दिया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।